पूर्णिया के एयरपोर्ट निर्माण का कार्य प्रारंभ होते ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है और इसके साथ शुरू हो गई नेताओं के बीच सियासत। आज एक साथ पूर्णिया में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। एक तरफ वर्तमान सांसद पप्पू यादव एयरपोर्ट निर्माण में अपनी भूमिका बताई नहीं थकते और उनकी वजह से एयरपोर्ट बनी यह सार्वजनिक तौर पर कई बार कह चुके हैं। कमोबेश यह बातें आज भी संवाददाता सम्मेलन के दौरान पप्पू यादव ने कही। बोला कि जमीन अभी तक नहीं हुआ है, प्लीज आप जमीन करवा दीजिए, राज्य सरकार से बार बार बोल रहा हूँ। जमीन 20 साल में उपलब्ध नहीं करा सके, वो औकात सिर्फ पप्पू यादव। चिट्ठी है राममोहन नायडू, सब कुछ डाल दो ग्रुप में पढ़े। राज्य सरकार ने जमीन पप्पू यादव के पहले हिम्मत नहीं कर पाया। सर पप्पू यादव नहीं होते ना, ये लोग तो लाठी में बंद करके कई बार थाना में बंद किया था किसानों, क्या हुआ? और पप्पू यादव के आते किसान ने जमीन कैसे दे दिया? बोलिए ना सर, तो लिखतम है, हम तो कोई चीज बकतम नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम मथुरा से भड़कुआ है भागलपुर और हम अपने कामत आए अंग्रेज के मरने के बाद। हमसे ज्यादा जमीन साहू परवत्ता कमख्या बाबू और मोल सिंह इन्हीं को था। उसके बाद हम लोग थे। दूसरी बात, आपको मैंने पहला मेरा स्पीच है नरसिम्हा राव के संग के बाद, और 3 चिट्ठी कब दिया तब इसके ढोड़ी के घाव नहीं सूखे होंगे। और प्लेन कब शुरू भी पता कर, देख लीजिए आप, चालू कब हुआ यहां प्लेन? और भैया मेरा एक आग्रह है छोटे भाई से, यदि एक बार भी सदन में आप आज तक एयरपोर्ट के बारे में क्वेश्चन किए हो तो क्वेश्चन तो होगा ना। मैं 150 बार क्वेश्चन डिबेट किया हूं, 140 बार क्वेश्चन, 0 आवर, 193, 140 बार 94 से आज। आप एक बार भी क्यों तो पत्रकार को दे, हम तो दे रहे, मेरा डिबेट तो सब गूगल पर है। और दूसरी बात, 10 साल आप थे ना, 10 साल कोई और भी थे, तो 20 साल हम नहीं थे, तो 20 साल में आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया? फैक्ट्री का निर्माण मेरे सामने मधेपुरा हुआ, बोर्ड मेरी लगी हुई है। अब एयरपोर्ट का निर्माण मेरे सामने होगा तो बोर्ड तो मेरा ही लगेगा ना। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव की संज्ञा फिल्म वल्फ मास्टर से कर दी। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव झूठ का पिटारा लेकर चलते हैं, जबकि सच यह है कि सड़क पर आंदोलन करने वाले बड़ी संख्या में पूर्णिया के लोग थे, तो सदन में उनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। महोदय इतना झूठ तो वर्ष 1963 में एक फिल्म बनी थी ब्लफ मास्टर, उसको भी आप पीछे छोड़ दिए, कब तक ब्लफ दीजिएगा? हाँ,
ब्लब मास्टर के किरदार ने जो ने भी नहीं बोला था। सच तो यह कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में, आप सभी को याद होगा, रंगभूमि मैदान की सभा में विमान सेवा आरंभ के लिए 2025 का समय मुकर्रर किया और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करके इसमें जो भी कठिनाई थी, जो भी समस्याएं थी, जो भी अड़चने थी, उसको लगातार लग के दूर करने का काम किया। निश्चित रूप से पूर्णिया की जनता ने पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लगातार उठाने का काम किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने एयरपोर्ट की मांग को लेकर अनशन भी किया, लेकिन एयरपोर्ट प्रकरण में अपनी भूमिका, हम मेरा तो मानना है, सबों का मानना होगा जो अभी पोस्टर टांग के घूम रहे हैं, इस मामले में उनकी भूमिका शून्य और केवल शून्य है। और इतना रिकॉर्ड हम लोग के पास में, अगर मैं रिकॉर्ड अगर की बात करूं तो एयरपोर्ट को लेके प्रधानमंत्री जी से लेके, कई बार प्रधानमंत्री जी से लेके, आप देख सकते हैं कि कितनी बार प्रधानमंत्री जी से लेकर के, प्रधानमंत्री जी से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके, लोकसभा के अंदर में दर्जनों बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से लेके, सिंधिया जी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनका हाउस में कमिटमेंट है, वो भी आप चाहेंगे तो उसके सोशल एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से लेके सिंधिया जी से लगातार दर्जनों बार हम मिल चुके होंगे। तो सभी लोग इसमें लगे, आज वह एयरपोर्ट हमारा। वहीं बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के करीबी और जदयू के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बाबू ने आज मंत्री की अनुपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन कर तफसील से एयरपोर्ट निर्माण की एक एक जानकारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किए जाने के बाद एयरपोर्ट निर्माण में कई बाधाएं आई हैं। आखिरकार अगस्त महीने में मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री लेसी सिंह के पहल पर एयरपोर्ट पर हुई बैठक के बाद सभी बाधा को दूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बयान देने में माहिर हैं, उसी में एक पूर्णिया के वर्तमान सांसद भी हैं। बताई थी, लेकिन ये बात पहले नहीं बताया जा सकता था। तो क्या भूमिका थी, आप दो बात देख चुके, सचिव वाला ये वाला, उसके बाद लोगों को दिक्कतें आई कि नहीं नहीं जल्दी हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पर मैडम बार बार अनुरोध करती थी, तो कुछ बाधाएं थी, लगा कि कुछ बाधाएं है सरकार स्तर पर, केंद्र सरकार स्तर पर कुछ समस्याएं थी। मैडम ने उनसे अनुरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी हाल में 2 महीना पहले यहाँ आपके एयरपोर्ट आए थे समीक्षा करने के लिए। उसका ये आपका ये पूर्णिया बैठक का है, हम नहीं कर रहे हैं, बैठक के लिए आए। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ, सारी बाधाएं, उसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लोग भी आए थे, बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे, हम लोग तो अंदर में नहीं थे, लेकिन जैसा हमको बताया गया और अखबार में मीडिया के माध्यम से हमको मालूम हुआ, जो सारी बाधाएं थी वो दूर हो गया भारत। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने संजय झा जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसी के जस्ट दो दिन बाद उन्होंने केंद्रीय वर्तमान जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनके पास भेजा। ये लोग कहते हैं कि हमने मिला, हमने क्या, ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में बनकर पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो, ये संजय झा जी का ट्वीट है उस दिन का, ये तारीख है 23 सितंबर, और मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार वो जाके मिले कि पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो, जो बाधाएं थी वो बता के सॉल्व करने के लिए। और कुछ लोग अपना गला फोटो दिखला देंगे, कहेंगे हम ही करा दिए,
इसमें ये भूमिका देख लीजिए कहाँ तक सरकार के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर। बहरहाल लंबे संघर्ष के बाद पूर्णिया के लोगों को एयरपोर्ट निर्माण की बात सुनने को मिली, लेकिन इसकी खुशी मानने से ज्यादा इन सियासत दानों के श्रेय लेने की होड़ ने यहाँ की जनता को झकझोर दिया है। नेताओं के बीच जनता के जन आंदोलन दम तोड़ दिए, लेकिन ये नेता बस अपनी डफली, अपना राग आलपने में लगे हुए हैं।